दुनिया में पहला मकान पार्ट 10 दुनिया में पहला मकान पार्ट 10 दुनिया में पहला मकान। प्रश्न एक, सिंगफू के आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर, सिंगफू में और सिंग गुफाओं और पेड़ पौधे के नीचे सिंगफू आदिवासी रहते थे। प्रश्न एक, सिंगफू आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर, सिंगफू गुफाओं में और पेड़ पौधों के नीचे आदिवासी रहते थे। प्रश्न दो, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? उत्तर, बहुत से पशुओं ने सबसे पहले आदमी को मकान बनाना सिखाया। प्रश्न दो, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? उत्तर, बहुत से पशुओं ने सबसे पहले आदमी को मकान बनाना सिखाया। प्रश्न तीन, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? उत्तर, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न तीन, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? उत्तर, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न चार, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? उत्तर, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। प्रश्न चार, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? उत्तर, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। प्रश्न पाँच, दोस्तों ने क्या क्या तय किया? उत्तर, मकान बनाने के लिए दोस्तों ने तय किया। प्रश्न पाँच, दोस्तों ने क्या क्या तय किया? उत्तर, मकान बनाने के लिए दोस्तों ने तय किया। प्रश्न छः, हाथी से उत्तर पाकर दोस्तों किससे मिले? उत्तर, हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। प्रश्न छः, हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? उत्तर, हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। प्रश्न सात, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्त ने क्या क्या किया? उत्तर, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने मकान बनाया। प्रश्न सात, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या क्या? उत्तर, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने मकान बनाया। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, लालिम और किंच हरिदास जंगल की ओर क्यों चल पड़े? उत्तर, मकान बनाने की रीति के बारे में जानने के लिए लालिम और किंचा लालिदास जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न एक, लालिम और किंच लालिदास जंगल की ओर क्यों चल पड़े? उत्तर, मकान बनाने की रीति के बारे में जानने के लिए लालिम और किंच लालिदास जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न दो, दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? उत्तर, मकान बनाने की रीति के बारे में दोस्तों ने हाथी के से चर्चा की। प्रश्न दो, दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? उत्तर, मकान बनाने की रीति के बारे में दोस्तों ने हाथी से चर्चा की। प्रश्न तीन, हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? उत्तर, पेड़ों के लकड़ी से इतने बड़े मजबूत गोले काट ले और जैसे मेरे पैर की तरह हो, इस प्रकार हाथी ने दोस्तों को उत्तर दिया। प्रश्न तीन, हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? उत्तर, पेड़ों के लकड़ी से इतनी बड़े मजबूत गोले काट ले जैसे मेरे पैर की तरह हो, इस प्रकार हाथी ने दोस्तों को उत्तर दिया। प्रश्न चार, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? उत्तर, दोस्तों ने हाथी सांप भैंस और मछली से मुलाकात की। प्रश्न चार, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? उत्तर, दोस्तों ने हाथी सांप भैंस और मछली से मुलाकात की। तीन चार वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? उत्तर, लकड़ी को ऐसी लंबी और पतली काट लो जैसे मैं हूँ,
इस प्रकार सांप ने दोस्तों को सुझाव दिया। प्रश्न एक, सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? उत्तर, लकड़ी को ऐसी लंबी और पतली काट लो जैसे मैं हूँ। इस प्रकार सांप ने दोस्तों को सुझाव दिया। प्रश्न दो, भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? उत्तर, पंजर में चार पैर पर हड्डी पड़ी है, उसी तरह चार मोटे गोले जमीन से गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बना लो। इस प्रकार भैंस के पंजर से दोस्तों को जानकारी मिली। प्रश्न दो, भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? उत्तर, पंजर में चार पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह चार मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बना लो। इस प्रकार भैंस के पंजर से दोस्तों को जानकारी मिली। प्रश्न तीन, मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? उत्तर, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। इस प्रकार मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब दिया। प्रश्न तीन, मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? उत्तर, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देखा लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। इस प्रकार मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब दिया। अनुरूपता एक, हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर। दो, मछली पानी, सांप उबाए। तीन, मछली तैरना, सांप रेंगना। चार, हाथी सून, भैंस नासिक क्षेत्र। अनुरूपता एक, हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर। दो, मछली पानी, सांप उबाए। तीन, मछली तैरना, सांप रेंगना। चार, हाथी सून, भैंस नासिक क्षेत्र। अन्य वचन रूप लिखिए। एक, कहानी कहानियां। दो, गुफा गुफाएं। तीन, पेड़ पेड़। चार, पत्ती पत्तियां। पांच, हड्डी हड्डियां। छः, मछली मछलियां। सात, लकड़ी लकड़ियां। आठ, पट्टी पट्टियां। नौ, लोग लोग। दस, घर घर। अनुरूपवचन लिखिए। कहानी कहानियां, गुफा गुफाएं, पेड़ पेड़, पत्ती पत्तियां, हड्डी हड्डियां, मछली मछलियां, लकड़ी लकड़ियां, पट्टी पट्टियां, लोग लोग, घर घर। अन्य लिंग रूप लिखिए। एक, आदमी औरत। दो, हाथी हाथी। तीन, भैंस भैंसा। चार, शेर शेरनी। पांच, मोर मोरनी। छः, बहन भाई। अन्य लिंग रूप ये, आदमी औरत, हाथी हाथी, भैंस भैंसा, शेर शेरनी, मोर मोरनी, बहन भाई। विलोम शब्द लिखिए। बहुत कम, दिन रात, नीचे ऊपर, मुश्किल आसान, आगे पीछे, मजबूत कमजोर, लंबी चौड़ी, पास दूर, दोस्त दुश्मन, काटना जोड़ना। विलोम शब्द लिखिए। बहुत कम, दिन रात, नीचे ऊपर, मुश्किल आसान, आगे पीछे, मजबूत कमजोर, लंबी चौड़ी, पास दूर, दोस्त दुश्मन, काटना जोड़ना। जोड़कर लिखिए। एक, ताला मछली। दो, हाथी पैर। तीन, भैंस हड्डियां। चार, पहला मकान। पांच, सिंपो आदिवासी। जोड़कर लिखिए। ताला मछली, हाथी पैर, भैंस हड्डियां, पहला मकान, सिंगपो आदिवासी। रिक्त स्थान भरिए। एक, भैंस ने दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। दो, दोस्तों की मुलाकात अंत में
मछली से हुई। तीन, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। चार, भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। एक स्थान भरिए। भैंस ने दोस्तों को अपने भैंसों का डैश दिखाया। दोस्तों की मुलाकात अंत में डैश से हुई। तीन, आप लोग जरा मेरी पीठ की डैश ध्यान से देख लो। चार, भैंस बहन हम लोग डैश बनाना चाहते हैं। उत्तर, पंजर, दो मछली, तीन पट्टियां, चार मकान। सही शब्द चुनकर लिखिए। एक, हाथी जंगल, सांप बिल, भैंस पालतू जानवर, मछली पानी, पक्षी पेड़, बैलगाड़ी गांव। सही शब्द चुनकर लिखिए। हाथी जंगल, सांप बिल, भैंस पालतू जानवर, मछली पानी, पक्षी पेड़, बैलगाड़ी गांव। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। एक, भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया। एमए गिड़ेरी अस्थि पंजरों नो तोर्षितु। भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया। एमयु गिड़ेरी अस्थि पंजरों नो तोर्षितु। तो सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता। हाँ हेतु मुंदिन विचार ननगे तिळदिल्ल। सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता। हाँ हेतु मुंदिन विचार ननगे तिळदिल्ल। तीन, हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है। आने हेतु इदरल्ली एनु तोंदरे। हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है। आने हेतु इदरल्ली एनु तोंदरे। चार, तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही है। केरेली वंदु दोड्ड मीनु युदित्तु। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही है। केरेली वंदु दोड्ड मीनु युदित्तु। एक्सपर्ट करियर अकेडमी विजयपुर, स्टेट एंड सीबीसी, ऑल क्लासेस एडमिशन और ओपन।